वही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग के बेटे यादविंदर सिंह कंग ने खास बातचीत की पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह से। क्या कुछ को आपको सुनाते हैं। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से जगमोहन सिंह कंग, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री, तीन बार से विधायक, खरड़ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो यादविंदर सिंह कंग अपने सपुत्र को आजाद उम्मीदवार के तौर पर घोषित करते हैं, लेकिन अचंभे में डाल देते हैं सभी मतदाताओं को जब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज हमारे साथ है जगमोहन सिंह कंग। सर, कंग साहब, सबसे पहला सवाल, दो दिन पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि आज नॉमिनेशन फाइल करनी है यादविंदर सिंह कंग ने, सारे कागजात पूरे हो गए, अचानक से आप आम आदमी पार्टी में, ऐसा क्या समीकरण बना कि आम आदमी पार्टी में जाना? देखो, तकरीबन 10 दिन हो गए टिकट अनाउंस हुए। मेरा लगातार विचार विमर्श चलता रहा गांवों में, शहरों में, हमारे साथियों से, वोटरों से, वर्कर लीडरों से। उनके मुताबिक की जो राय बदली है या कुछ बीच में बात हुई वो चलती रही है, इसमें मेरा कोई कुछ नहीं है। मैं तो श्रद्धा सत्कार प्यार से अपने इलाके के साथ हूँ, वर्करों के साथ हूँ, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुई थी कंग साहब, तब तक आप प्रतिद्वंदी के तौर पर आम आदमी पार्टी को ले रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अचानक से आम आदमी पार्टी में जाते हैं, तो अब आप मतदाताओं के पास जाएंगे तो क्या उन्हें जाकर के वायदे, जो अनमोल गगन मान को आपने समर्थन दिया जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, तो क्या आप उन्हें जाकर के समझाने? मैंने पहले कहा है कि मैं किसी व्यक्ति तौर पे खंडन नहीं करता, बुराई नहीं करता, पार्टी की नीतियों को मैं चर्चा करता हूँ, अपने जो खूबियां हैं, विकास पुरुष मुझे लोग मानते हैं इस इलाके में, बरिंडा में पहले, उस पर चलता हूँ और लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, इसलिए कांग्रेस साहब गलत बात नहीं कहते। इसलिए मैं अब भी विकास की बात कर, पहले विकास की बात की, और मेरा ओपन चैलेंज है डंके की चोट पर कि जो मैंने विकास कराया 30 साल में, तुलना कर लो, कंपेयर कर लो, मुझे गर्व है अपने कारगुजारी पे, इसलिए लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात मुझे माननी पड़ी है और उनके साथ में शरूंगा, मेरे साथ रहेंगे। हर बार आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ करते आए हैं, आप सुनील जाखड़ की तारीफ करते आए हैं, अगर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा हुए तो आप तो उनके प्रतिद्वंदी हो गए। देखो, सत्य को सच कहना अगर बुरी बात है तो मैं तो नहीं वो कर सकता, नवजोत सिद्धू का कोई मुकाबला नहीं, लीडरशिप का, अच्छे बुलारे का, ईमानदारी का। मैं आजकल लोग कुश्ती से चिमट जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। सिद्धू ने रिजाइन किया पहले MP से, राज्यसभा से, फिर यहाँ से किया, उसको कहना कि ये गलत बात है वो स्वार्थी नहीं है, उसने ठीक है, ब्लंट है, सीधा बोलता है, और लोग जो असली लोग पसंद करते हैं सच को, जो बनावटी है उसकी तारीफ करते हैं, भी ये बंदा हमें हाथ पे सरसों जमा रहा है। जहां तक बात सुनील जाखड़ की, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि वो सोना आदमी है, सुनील जाखड़ सोना, हीरा, मोती, करेक्टर, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, और स्वर्गीय बलराम जाखड़ का बेटा है। हम बचपन से इकट्ठे यूनिवर्सिटी से, मेरे से 2-4 साल छोटा होगा, पर लेकिन लेटेस्ट 2012 से इस तरह तक MLA इकट्ठे रहे हम विधानसभा में, लीडर था CLP। मैं हद मान गया कि कितना काबिल इंसान, पढ़ के बात करता है, अखबार पढ़ के, लाइब्रेरी में जाके उसने अपना सिक्का जमाया CLP लीडर तौर पे, और बादल साहब को भी उसने कभी बोलने नहीं दिया तथ्यों के आधार पे। वो जो बात करता है उसमें कोई भी बुराई या झूठ नहीं होता। नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ अगर आपको कहते हैं कि जगमोहन कंग जी आप वापसी करें कांग्रेस में, तो क्या ये संभव है? कितनी तारीफ कर रहे हैं? देखो, तारीफ तो मैंने पहले कहा कि मैं ज्ञानी जैल सिंह का चेला हूं, रामगढ़िया सरदार, जो मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री हिंदुस्तान के रहे और राष्ट्रपति रहे। वो कहते थे कि कंग, सामाजिक रिश्ते अपने होते हैं, सियासी और होते हैं। सामाजिक रिश्ते तो हमारे बहुत जगह बने हुए हैं, मैं आता हूं जाता हूं, अब स्वराज कौशल है, सुषमा स्वराज स्वर्गीय नेता का हस्बैंड, हम मित्र हैं, आपस में कट्टे पड़े हैं, वो चीज और है, और मेरा शुभ चिंतक है वो,
आपने अपने विधानसभा के लोगों के से झोली फैलाकर कर कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को मतदान ना करें, चमकौर साहब खास तौर पर, तो चमकौर साहब के साथ साथ वो बतौर से भी लड़ रहे हैं, तो क्या अब बतौर भी जाएंगे? चन्नी जी जरा इंतजार करो, सब बात सामने आ जाएगी। आप चमकौर साहब से दौड़ भागे और भागोगे, पर हम पाकिस्तान का बॉर्डर सील करा देंगे मोदी साहब को कह के वहां ना कहीं भाग जाना। क्यों, आप तो भाग जाओगे, आपकी करतूतें ऐसी हैं मिली भुगत करके, जैसे मुख्यमंत्री बने लीडर सीएलपी बने, लेकिन हमें वीजा लेना पड़ेगा जाने के लिए, इसलिए भागने नहीं देंगे। सब एजेंसियों को अपील करता हूं, इंटेलिजेंस को रोकना, ये भागने वाला है और रेड होंगे। माननीय गवर्नर पंजाब ने इंक्वायरी कल इनकी रख दी है, इंक्वायरी साबित होगी और ये बिल्कुल पर्दाफाश होगा, मुखौटा उतरेगा और ये अंदर जाएगा। मेरा आखिरी सवाल, यादविंदर सिंह कंग की राजनीति पर इसका असर नहीं होगा? आपने आम आदमी, क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले थे विधानसभा का और अब अनमोल गगन को वो समर्थन दे चुके हैं। ऐसे है, मेरे दो बेटे हैं यादविंदर सिंह कंग और अमरिंदर कंग, इंजीनियर हैं, साफ सुथरे हैं, मेहनत करते हैं, अपने प्रोफेशन में जुटे हुए हैं। जो हमने फैसला लिया, हम सारा परिवार है हल्का खड़ का, पहले मुंडे का, और वो हमारा परिवार है, सब ने इकट्ठा फैसला लिया है अपने क्षेत्र के हित में कि उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। ये थे हमारे साथ जगमोहन कंग, और देखिए अब आम आदमी पार्टी में एक नेता की भूमिका जो है वो आने वाले समय में निभाएंगे, क्योंकि जगमोहन कंग ने समर्थन दे दिया है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी खरड़ विधानसभा से जो चुनाव लड़ रही हैं, जो अनमोल गगनमान। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 10 मार्च 2022 को ही पता चल पाएगा। बहरहाल देखते रहे हर खबर, कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सोरन।